आप देख रहे हैं YouTube कुकिंग चैनल फ्लेम एंड फ्लेयर विद शेफ ताहिरा। व्यूअर्स, आज आपके किचन में बन रहा है, फ्लेम एंड फ्लेयर के किचन में बन रहा है सहज स्पेशल चने, बहुत ही आसान तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने 1.5 प्याली चने ले लिए हैं और इनको रात भर मैंने सोक कर लिया था वाटर में, थोड़ा सा नमक डाल के, और फिर इनको बॉयल कर लिया है। आपने ऐसे करना है कि रात को बॉयल करके रख लेने हैं और सुबह इसको फ्रेश सहर के टाइम इसको रेडी करें, या आप पे है कि आप इसको रात से भी रेडी करके रख लें, बेहतर यही कि सुबह ही रेडी करें। और अब आते हैं बाकी स्पाइसेस की तरफ, इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पे 1 लार्ज अनियन लिया है और ये तड़का कट में मैंने इसको काट लिया है। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। 1 लार्ज टोमेटो ले लिया है और ग्रीन चिलीज है एज रिक्वायर्ड, आपको जिस तरह जितनी पसंद हो। घी लिया है इसके लिए, घी में बहुत अच्छे बनते हैं, 1 कप घी है। यहाँ पे 1/2 प्याली योगर्ट ले ली है, रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून है, और यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। धनिया पाउडर है यहाँ पे, ये 1 टेबल स्पून है, ये देखें तेज़पात, और ये सिनेमन स्टिक, और सारा गरम मसाला इस तरह से मैंने ले लिया, जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, ये सारा गरम मसाला मैंने इस तरह से ले लिया जो कि साबुत है। टर्मेरिक यानी हल्दी 1 टीस्पून है, और थोड़ा सा चाहिए होगा हमें गरम मसाला पिसा हुआ, मैंने इसको 1/4 टीस्पून यहाँ पे आपको जो शोर है 1/4 टीस्पून है। आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बर्नर ऑन कर लिया है और यहाँ पे पतीली जो है वो मैंने सेट कर लिया बर्नर के ऊपर। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूँगी इस तरह से, चला गया ही। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। जैसे ही घी गर्म होता है फिर हम इसमें सबसे पहले अनियन ऐड करेंगे। देखिए हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए। अब इसमें अनियन ऐड कर रही हूं मैं। देखें जी, अनियन हमारे फ्राई हो गए हैं इस तरह से, इस कलर में हमें चाहिए थे। अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे हम जिंजर और गार्लिक का, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ ही अब हमने इसमें ऐड करना है टोमेटो, जो कि 1 लार्ज टोमेटो था, बड़ा टमाटर था, ठीक। अब इसी तरह भुनाई करते हुए हम इसमें गरम मसाला, जो साबित गरम मसाला है, वो सारा चला गया। फ्लेम को फिर थोड़ा सा हाई करेंगे। देखिए सुर्ख मिर्च और नमक ये चला गया, साथ ही हल्दी, कोरिएंडर पाउडर यानी खुश धनिया का पाउडर, पिसी धनिया यानी, और बस अभी इसको भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें हम वाटर ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना, बस 1-2 टेबलस्पून। मिलते हैं ग्रेवी को स्मूथ होने के बाद। ग्रेवी हमारी स्मूथ हो गई है, अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। हार्डली इसको 6 से 7 मिनट लगे हैं, सारे चने इसमें चले गए। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त अरोमा जो है ना वो पूरे किचन में फैल गया है। देखें जी, चने बिल्कुल गले हुए थे, बड़े ही सॉफ्ट हैं। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। भुनाई के बाद मैं इसमें जस्ट इसमें योगर्ट ऐड करनी है, दही ऐड करनी है, और चने हमारे रेडी हैं। थोड़ा सा भून के फिर हम इसमें दही ऐड करते हैं, वाटर रिड्यूस होने के बाद मिलते हैं। देखें जी, इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें इस पॉइंट पे, आपने भूनने के बाद इसमें योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट को मैंने विस्क कर लिया था, फेंट लिया था यानी इसको,
थोड़ा सा इसको भूनेंगे मजीद। और इसमें अब हम हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड कर देते हैं ऐसे। देखें जी ऐसे ग्रेवी इस टेक्सचर में रखना चाहें आप, या आप पे है कि आप इसको इसमें इसकी कंसिस्टेंसी इसको पतला शोबे वाला आप बनाना चाहें चलो वो, लेकिन मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। अब जो लास्ट में ऐड कर रही हूँ मैं वो है गरम मसाला पाउडर फॉर्म में ऐसे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम लो कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो अरोमा है पूरा खुशबू है इसमें अच्छे से आ जाए अपने जो चने हमने बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा है। अब हम देखें घी भी सारा ऊपर आ गया, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बर्नर को करते हैं ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चने जो हैं वो रेडी हो गए हैं। देखिए व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त और झटपट बनने वाले चने हैं। हमारे शहर की स्पेशल रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये आपसे बनी कैसी है। व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज आपको मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।